वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्त बिंदावन मनो वाचाकुवश कृपा सिंधुवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदा वै तुलसीदेव प्रिया वै केशव सच कृष्णभक्ति पदे देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरंचिनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पनुतपालभवद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधूष्वदर्श पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मुई कदम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो गमलायताक्ष विशांबरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारम् वरानसीपुरपति भजवीशनाथम वागीशजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
nitto nityanam chetanas chetananam eko bahunam jo vidadhatikaman tamatmastam je anupashvanti dhiraha stesham shantihi shashati netaresham nitto nityanam chetanas chetananam eko bahunam jo vidadhatikaman tamatmastam yonupasvanti dhira stesham shantihi shashati netaresham. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ji Jagat Guru ji ne bataye Baddha jeev kyun वैष्णव संगो साधु संग में विमुख है, क्या कारण है? गौड़ियो गौड़ियो गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत भोपा जगत गुरु जी ने बताए उत्तर दिए. बद्ध जीव क्यों वैष्णव संगो साधु संग से विमुख है, किस कारण है, क्या कारण है? प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं. इसका कारण ये है कि वैष्णवों का सामने अपराकृत जगत का निष्ठुर सत्य प्रवचन सुनने से वैष्णवों का सान्निध्य में अपराकृत जगत का जो अकैतव सत्य प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा, उसमें विष्णु सेवा छोड़कर और कोई कर्तव्य नहीं है जीवों का, ये समझना पड़ेगा. विष्णु सेवा ही एकमात्र कर्तव्य है, बाकी कोई कर्तव्य नहीं है, ये सुनना पड़ेगा. और इस बात को गुरु वैष्णव खुल्ला में खुल्ला आमने सामने बता देते हैं, इसीलिए वो हरिकथा सुनने में भयभीत हो जाता है. क्योंकि हमारा जीवन जिंदगी जो अस्थाई है, मैं जो माया में विषय आदमी जो माया में डूबे हुए हैं, इस बारे में पता चलेगा और इसमें क्या होगा, विषय वार्ता विषय का जो प्रचेष्टा भगवत भजन छोड़ के ये तो बेकार है. एकमात्र विष्णु सेवा ही कर्तव्य है, भगवत सेवा, ये बात को सुनना पड़ेगा. ये सुनने से वो लोग भयभीत हो जाता है. नैरो माइंड लेकर प्रच्छन्न मायावादी मैं गुरु वैष्णव का संग छोड़ना ही उचित समझता हूँ, किसी इसमें मेरा जो क्रियाक्रम है वो पकड़ा जाएगा, ये करना संभव नहीं है. गुरु वैष्णव मेरे को कंट्रोल करेगा, कृपा करके हमारा उश्रृंखल जो जिंदगी है उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेगा. हमारा इंद्रियो तर्पण जो है खुल्ला खुल्ला जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के रास्ते में दौड़ रहा हूँ, इसको ये लोग मानेगा नहीं, रुकावट हो जाएगा. इसलिए जो लोग विषयी हैं, विषय में उलझे हुए हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी का विषय में आए या तो सन्यास का विषय में आए या तो वानप्रस्थी का विषय में आए, कुछ भी अपना सुविधा के लिए, ये सांप्रदायिक एक्टिविटी को बोर फील करेगा. ये सांप्रदायिक जो एक्टिविटी है इसको ये लोग बोर फील करेगा. ये एक चीज एक जैसा चीज हो रहा है, क्या बात है. इसीलिए
विषयी आदमी जो है, मेटेरियल आदमी जो है, हर वक्त गुरु वैष्णव को भले ही ठीक है थोड़ा बहुत डोनेशन भी दे दे, ठीक है महाराज, लेकिन ये जो अपराकृत जगत का प्रवचन है ये सुनना बिल्कुल नहीं पसंद है, चाहता नहीं। ये लोग याद दिलाता है ना, आप गलत रास्ता में चलते हो। चेटी जैसा गुड़ में चिपक जाता है, गुरु को आस्वादन करने के लिए बहुत सारे चेटी आ जाते चारों ओर से, और मधुमक्खी भी ऐसा शायद का ऊपर बैठे आस्वादन करते करते उनका जो सारे लिपट जाता है। इसमें क्या होता है, सांस रुक जाता और ये इसमें मर के दबा हो जाता, फिर भी नया नया मक्खी और आके फिर ऐसा ही आकर्षण है, माया देवी का आकर्षण ऐसा ही है। पोपा जी कह रहे हैं ये बहिर्मुख जीवों का, जिसका भगवत भजन में मन नहीं है, मनोरथेन असतो धवतो वही, ये जो बताया था ना भागवत का श्लोक, मनोरथेन असतो धवतो वही, मन की जो चैरियट है रथ है उसमें बैठकर सवार होकर पांच चाल क्षेत्रों में घूमने जाता है, इसमें मजा आता है, ये रोक नहीं पाता अपने को। बहुत सारे आदमी कथा भी सुनता है लेकिन सुनने का बावजूद अपने को रोक नहीं पाते, क्योंकि इसका जो साधु संघ है ये एप्रोप्रिएट नहीं हो पाया। पक्का साधु संघ होने से साधु संघ का असर जो है वो पड़ेगा जरूर। इसमें ये अनित्य जगत जो है इसमें कुछ नहीं रखा है, और जल्दी ही मेरे को जगत से जाना है इस बात को पता चलेगा साधु संग करने से, पक्का साधु संग नहीं हो रहा है। मौत बोल के जो चीज है ये किसी का अनुभव में नहीं उतारता है, मौत बोल के जो चीज है ये किसी का अनुभव में नहीं उतार रहा है। अगर वो अनुभव में उतारता तो तुरंत इसका जितना सारे बदमाशी है सब खत्म। तो पोपा जी ने उदाहरण दिया जैसे चेटी है, चेटी गुरु को आस्वादन करने के लिए दौड़ते हैं और गुरु में चिपक जाता है, और बहिर्मुख मानव जाते भी ये छोटे छोटे विषय में उलझ जाते हैं, उसका स्त्री पुत्रादि कथा जुहुर विषय न शास्त्र प्रभादम बुधहा, कभी ये शोक का चर्चा होगा। बोधानंद सरस्वती बात का बड़ा अजीब सा श्लोक, स्त्री पुत्रादि का जो विषय का वार्ता है इसमें इतना ही उलझे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं। तो भगवान का जो वार्ता है, भगवान का जो मैसेज है, ये मामूली, ये लोग समझते कि मामूली चीज है, ये सामान्य चीज है। भगवान का जो वार्ता है ये लोगों के पास मामूली चीज है, ऐसा ये जड़ जगत का जितना सारे आदमी हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं ये जड़ जगत में अपना जो दादागिरी बहादुरी ये दिखाने में व्यस्त है, और इसी में उलझ जाते हैं। भवसागर पार होने का इच्छा है लोगों का अंदर बिल्कुल नहीं है, अगर एक बूंद भी इच्छा है भवसागर पार होने का, जिसका अंदर में एक बूंद भी इच्छा है, तो ऐसा मापी जो विषयी है, तो ये लोग का अगर इच्छा है भवसागर को पार हो जाए, पार होके चलेंगे, तो ये सब विषय जो है अनित्य विषय जो है वैसे संपूर्ण उदासीन रहना पड़ेगा। और भक्ति विनोद ठाकुर का कहने का मुताबिक घर छोड़ के कहाँ जाए महाराज,
भले भक्तिविनोद ठाकुर का उताप भक्तिविनोद ठाकुर का उपदेश का मुताबिक ये देहरो किया अभ्यास कोरी वो जीवन यापन, ये शरीर का क्रिया जो है, शरीर से जोड़ा हुआ जो क्रिया है, संसार भक्तिविनोद ठाकुर भी करते थे, श्रीनिवास आचार्य जो सब करते थे, शिवानंद सेन। इसमें क्या है, ये देहोरो किया अभ्यास करो, करना है करेंगे, भगवान का सेवा ही है ये, ऐसा समझ के रिल भगवान का सम भगवान भगवान का साथ संबंध जोड़ के ये सब करना है। विषय में क्या सुख है, ये लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, ऐसा अगर त्यागी व्यक्तियों के अंदर में ऐसा भावना आया, अचानक अगर आ गया तो ये गृहस्थी में कितना सुंदर आनंद ले रहा है, देखो बीवी का साथ बच्चा का साथ घूम रहा है और हम लोग इससे वंचित हैं। पापा जी कह रहे हैं जब त्यागी व्यक्तियों का अंदर में ऐसा भावना आया तो उसका सारे विवेक वैराग्य सारे अंधा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो उसका दिल में विषय का खिंचावट होगा और ये चरम अमंगल का रास्ते में दौड़ पड़ेगा। ये अक्सर होते रहता है, हजारों आदमी भजन में आता है और उल्टा दौड़ लगा के भागते हैं। हरि सवामृत सागर में संतरण करना जीवों का नित्य धर्म है, प्रभुपाद जी ने बताया। हरि सेवामृत सागर में आनंद लेना, डुबकी लगाना, ये साधु का कर्तव्य है। जो भी है, जो श्लोक देके शुरुआत किया था इसमें, ये तो एक बात तो पक्का है, ये कठोपनिषद का श्लोक नित्यो नित्यानम, ये जो नित्यो नित्यानम चेतनश्चेतनानम, ये श्लोक के द्वारा इस बात का चर्चा हुआ था पहले। एक जीव बात बिल्कुल ये बेकारी सिद्धांत तो नहीं है। तो नित्यो नित्यानम चेतनश्चेतनानम एको बहुनम जो विदधाति कामा, जो आत्मा का आत्मा, चेतन का चेतन वस्तु, परम चेतन वस्तु, परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर भगवान, तमाम जीवों का जो विदधाति कामा, उसका अंदर में कामना वासना ही तो ये तो विदधाति उसका देते रहते। तम आत्मस्थम जी अनुपस्यन्ति धीरा, जो सब बुद्धिमान व्यक्ति आत्मस्थ होके एक दिन आत्मा में खो जाना चाहिए। जो सब बुद्धिमान व्यक्ति आत्मस्थ होके भगवान को परिदर्शन करते रहते हृदय में, ये लोगों के लिए नित्य शांति, इटर्नल पीस जो है, नित्य शांति विराजमान है। और दूसरा आदमी, ये लोग चंचल है, इसलिए ये लोगों का अंदर में शांति का सवाल है नहीं। चंचल व्यक्ति के लिए शांति, चंचल किसको बोला है, जिसका मन में कोई मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, मन में चंचल भाव है, मतलब तरह तरह का विषयों में दौड़ते रहता है, जिसका बारे में चैतन्य चैतन्य में तो बताया कृष्ण भक्ति निष्काम अतएव, कृष्ण भक्ति निष्काम अतएव शांत हो, कृष्ण भक्त का अंदर में कोई कामना वासना नहीं है इसीलिए शांत है। और इसका ऑपोजिट क्या है, जो कृष्ण भजन में नहीं है, विषय भजन में है, वो अशांत है, विषय का ओर दौड़ रहा है, यही कारण है। तो नित्यो नित्वानम चेतनश्चेतनानम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, तम आत्मस्थम जो अनुपस्वंति धीरा धीरा तेषाम शांति ही शाश्वती नेतुरेशम, ये बात को समय आए। इस विषय में चर्चा किया था, याद है भागवत का श्लोक बहुत बार चर्चा किया था,
जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणैः तत्व समासते सुरहा हरु अभक्त सकुतो महद्गुणा मनोरथेन असतो धवत वही। और साधुगणों का अंदर में जितना सारे गुणावली है, अभक्त का अंदर में कोई गुणावली रह नहीं सकता। जो अभक्त है, भक्त नहीं, भगवान का भक्त नहीं, बाहरी दृष्टि में उसका अंदर में कुछ क्वालिटीज जरूर है, लेकिन शास्त्रों का विचार के अनुसार ये एक्चुअल क्वालिटी नहीं है, ये माया गुण है। इसको बोलता माइक गुण, माया का द्वारा प्रभावित गुण है, ये वास्तविक गुण नहीं है। और वैष्णवों का अंदर में जो गुण गुणावली है, ये अप्राकृत गुणावली, और अवैष्णव का अंदर में जो गुणावली है वो प्राकृत गुणावली, दोनों एक नहीं है। हरो अभक्त कुतो महद्गुणा, महद्गुण और महान गुण, अप्राकृत गुण कहाँ कहाँ से आएगा बद्ध जीवों का अंदर, संभव नहीं। हरो अभक्त कुतो महद्गुणा, जड़ जगत का जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव का अंदर में कोई बहुत सारे गुणावली जरूर है, हो सकता, लेकिन ये अप्राकृत गुणावली नहीं है। और वैष्णव का अंदर में अप्राकृत गुणावली है। कपिल जी महाराज पहले भी, एक कपिल जी महाराज देवाहुति मैया के इस बारे में वैष्णव का कितना सारे गुण है, तितिक्षा बहा कारुणी कहा सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये धीराम मत्कृते त्यक्तो कर्मणः त्यक्तो सज्जन बांधवः। बहुत सारे सब चो, और भागवत में और भी है वैष्णव का गुणावली, 11 स्कंद में कृपालु अकृतद्वहो अकृतद्वहो तितिक्षु अमाने, बहुत सारे गुणावली है। इसका बारे में चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे प्रमाण है। सर्व महा गुणगण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचारी, कृष्ण भक्तों का अंदर में कृष्णों का जितना सारे गुणावली है तमाम आ जाएगा। केवल रसिक से कर कृष्णों का रासलीला करने का जो ये सब गुणावली, ये सब नहीं, सृष्टि का ये सब छोड़ के भगवान का भगवत्ता को संरक्षण, भगवान का भगवत्ता का संरक्षण नो रखते हुए बाकी सब गुणावली जो है वैष्णव का अंदर में आ जाएगा। कृपालु अकृतद्वहो सत्वसार समो निर्दोष बदान्नो मृदु सुचि अकिंचनो, निर्दोष बदान्नो मृदु सुचि अकिंचनो सर्वोपकारक शांतो कृष्णैक शरण अकामो निरीहो स्थिरो विजित सरगुण मितभुक अप्रमत्तो मानदो अमानी गंभीर करुण मैत्रो कविदक्ष मोहनि। चैतन्य चरितामृत तो थोड़ा कृपा करके देख लेना, समय कम है। कृपालु अकृत दो सारे बहुत सरल है मीनिंग, लेकिन इसका अंदर में एक विशेष बात है, कृष्ण के शरण जो क्वालिटी बताए, जितना सारे 26 गुणावली चैतन्य चरितामृतों से ये सनातन शिक्षा में महाप्रभु जी ने बताया, इसका पाठ किया हमने अभी, इसमें विशेष है कृष्णई को शरण। इसमें कृष्णई को शरण है पिवोटेड क्वालिटी, सेंटर पॉइंट। अगर कृष्णई को शरण ये क्वालिटी अगर नहीं है तो बाकी 25 क्वालिटी का कोई कीमत नहीं रहेगी। आई बात समझ में? अगर कृष्णई को शरण, ये कृष्णई के शरण जो क्वालिटी है ये सबसे मोस्ट वाइटल पॉइंट। भगवान में शरणागत कृष्णई के शरण, ये क्वालिटी अगर नहीं है किसी का अंदर में, बाकी 25 क्वालिटी है, तो ये वैष्णव का क्वालिटी नहीं हो सकता।
ये मेटेरियल क्वालिटी बन जाए। कृष्ण के शरण को सेंटर पॉइंट में रखते हुए बाकी जितना सारे कृपालु अकृतोद्ध सत्वसार समो निर्दोष बदान्नो मृदु सूची अकिंचनो सर्वोपकारक शांतो कृष्ण के शरण अकामो निरीहो स्थिरो विजित सरगुण मितभुक अप्रमत्तो मानद अमानी गंभीर करुण मैत्रो कवि दुख कवि दक्ष मोहनी। ये सब जितना सारे क्वालिटी है एकमात्र कृष्ण ही को शरण क्वालिटी का आधार पर रहता है। अगर कृष्ण ही को शरण क्वालिटी का उपस्थिति नहीं है तो बाकी 25 क्वालिटी है जड़ जगत का क्वालिटी बन जाएगा। ध्यान देना चाहिए। उस दिन चर्चा किया था ज्ञेयोहो यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञेत्ता अमृतमश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म ये जो चर्चा किया था श्लोक का याद है, पहले वाला श्लोक का चर्चा किया था। इधर महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियानि दशैकंच पंच चेन्द्रिय गोचरा इच्छा देशो सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इस बारे में चर्चा हुआ था। इस विषय पर भला पंच कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो पंच कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो उसका बाद पंच तन्मात्रो जो है सब कुछ ये सब जो 24 तत्वों का चर्चा हुआ था। पंचो महाभूत पहले पंचो महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त जो भी है इसको लेके पंचो महाभूत उसका बाद पांच कर्मेंद्रियो पंचो ज्ञानेन्द्रियो सारे मिलाकर और पंच तन्मात्रों सारे मिलाकर 24 तत्वों का चर्चा किया था। मन बुद्धि है ना अहंकार बुद्धि ये सब मन बुद्धि ये सब 24 तत्वों का चर्चा हुआ था। और ये सब विषय को क्षेत्रों का विकार बताया था। ये सब क्षेत्रों का विकार है। क्यों ये क्षेत्रों किसको बोला जाता है? ये शरीर है इसको क्षेत्रों पांच भौतिक जो क्षेत्र शरीर है इसका अंदर में प्रभाव फैलता है, इसलिए ये क्षेत्रों का विकार बताया गया। ये चेतन स्वरूप जीव का आधार चिदाभास ये सारे जो है ये सब क्षेत्रों का विकार बताया गया था। उस दिन चर्चा किया था। उसका बाद हमने आगे चला गया अंतिम छह श्लोक तक चर्चा किया था। 7 श्लोक से शुरुआत होगा आज। 7वां श्लोक में 7, 8, 9, 10, 11 इस श्लोक में तमाम विचार बताया। ऐसे जो अमानित्व अदम्भित्व महिंसा ख्यांतिर आर्जवम आचर्यो उपासनम शौचम स्तोज्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्ति रणभिषंगो पुत्र दारो गिहादिषु नित्यंच समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिर राव्याभिचारिणी विविक्तो देश सेवित्यम अरतिर जनसंसदी आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम
तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एत ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम जद ततो अन्यथा अमानितम। ये सारे जो सात नंबर श्लोक से लेकर ग्यारह नंबर श्लोक तक ये सब बताया भगवान, इसमें एक एक करके ध्यान देना चाहिए। अमानितम माने मान सुन्नता, जिसमें कोई मान अभिमान नहीं है। अदम्भित्वम माने दम्भ रहित, अमानितम माने मान सुन्नता, कोई मान सम्मान का कोई ख्वाहिश नहीं। अमानितम अदम्भित्वम माने दम्भ नहीं है, अहंकार नहीं इसका अंदर में। अहिंसा तो जानते हो अहिंसा का माने, हिंसा नहीं किसी को। ख्यांति मतलब क्षमा, कुछ उल्टा हुआ है, क्रोध उत्पत्ति होने का बावजूद क्रोध नहीं आए, इसका क्षमा बताए। आर्जवन मतलब सरलता, आर्जवन मतलब सरलता, आर्जवन मतलब सरलता है। और आचार्य उपासना मतलब सदगुरु सेवा, आचार्य का उपासना मतलब सदगुरु सेवा। अशौचम मतलब पवित्रता, प्यूरिटी मेंटेन करना, ये दो किस्म का होता है, ये बाह्य और अंतर पवित्रता दोनों किस्म का। और स्थैर्यम मतलब स्थिर चित्र, चित्त का स्थिरता। स्थैर्यम मतलब चित्त का अचंचलता, चंचलता नहीं है। आत्मविनिग्रह मतलब देहेंद्रिय संयम, आत्मविनिग्रह इसका माने है देह इंद्रियों का संयम। और इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मतलब शब्दों स्पर्शों रूप रस गंधों ये सब विषय में वैराग्य, वैराग्य का माने क्या है, अप्राकृत वस्तु में, अप्राकृत जो वस्तु है जो सबसे बड़ा अट्रैक्टिव, इसमें अगर लगन लग जाए, मन लग जाए तो स्वाभाविक इंद्रियो वैराग्य पैदा हो जाए। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मतलब जागतिक एमेट्रियल जो जगत का है, जो शब्द स्पर्शो रूप रस गंधो इसमें स्वाभाविक अरुचि, रुचि नहीं है। इसका बारे में याद है पहले बताया था, चर्चा किया था, रसो वर्जम रसो पास्यो परम दिशा निवर्तन थे, इस विषय में ये चर्चा जरूरी है। रसो वर्जम रसो पास्यो, ये मेटेरियल जगत का जो रस है इसमें अरुचि होने का मतलब है, ये जो जड़ जगत का जो शब्द स्पर्श रूप रस गंधो जो भोग एंजॉयमेंट, इसमें वैराग्य होने का मतलब ये है। ये अप्राकृत जगत का विषय में इसका इसका रुचि लग गया। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम शब्द स्पर्शो रूप रस गंधो, इसमें वैराग्य कब होता है इसका बारे में गीता में पहले बताया था, रसो वर्जम रसो पास्यो परम दिष्टा निवर्त, एकदम एब्सोल्यूट अट्रैक्टिव परम आकर्षणीय वस्तु, इसमें लगन लग गया तो, अगर लगन लग गया तो स्वाभाविक ये जड़ जगत का शब्द स्पर्श रूप रस गंधो में वैराग्य पैदा हो जाएगा, नहीं तो ड्राई वैराग्य हमको भजन से फेंक देगा। अच्छा जो भी है, तो आत्मविनिग्रह इसका देहेन्द्रिय संयम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यों का व्याख्या किया। अनहंकार एवच अहंकार शून्यत्व कर्ता अहम, ये अभिमान नहीं है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब विषय का खूब बहुत विचार करना है। ये अगर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखो दोषानुदर्शनम इस विषय में अगर चिंता करते रहे, ये तो काल जन्म हुआ था उसका बाद
धीरे धीरे मौत का ओर बढ़ रहा हूं, इसका बाद तो जड़ों वार्धक्य आ गया, शरीर नहीं चल रहा है, व्याधि आ गया। ऐसा करके शरीर का जो परिणाम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पवित्र दुख को दर्शन करने से स्वाभाविक रूप से वैराग्य आने का संभावना है, क्योंकि तभी आत्मजिज्ञासा पैदा होगी। जो ये जो दो दिन का जिंदगी है उसका बात कुछ नहीं है क्या, क्या रखा है इसमें। ऐसा करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रवृत्ति इसको दोष दर्शन करते करते वैराग्य पैदा होता है हृदय में। और पुत्रो दार गृहादिशु अर्थात पुत्र स्त्री अपना घर परिवार इसमें अशक्ति मतलब प्रीति रहित, आशक्ति मतलब आकर्षण, अशक्ति आशक्ति मतलब आकर्षण और अशक्ति मतलब प्रीति रहित, अतः आकर्षण वर्जित होना। अनभिष्वंग अर्थात पुत्रादि का जो सुख दुख है इसमें पिताजी का माताजी का जो आवेश है अनभिष्वंग इसको बोला है, अतः पुत्र दुखी हो जाए, पुत्रों का बीमार पड़ जाए, वो भी खुद उसको इसका दिल में असर पड़ता है, इसमें इसको बोला गया अनभिष्वंग। पुत्रादि सुख दुखो निजो आवेश भाव, अपना कुछ हुआ नहीं, पुत्र का हुआ है, पुत्री का हुआ है, पिता का हुआ, जो भी है, तो उसमें क्या हुआ, अपना एक आवेश आ जाता, चिंता, इसको अनभिष्वंग, इससे परे हो जाना। अनभिष्वंग मतलब पुत्रादि सुख दुखो अपना आवेश का अभाव। और इष्टानिष्ठो उपपत्तिषु, इष्टानिष्ठोपत्तिषु इष्टो और अनिष्टो, क्या इष्ट वस्तु है अनिष्ट वस्तु, क्या यू नो इष्ट वस्तु मतलब अपना अंदर का जो चाहत है, इष्ट वस्तु जो हमारा फाइनल गो इष्ट वस्तु है, अनिष्ट वस्तु क्या है, इष्ट अनिष्ट विषय प्राप्ति ते नित्यम समचित्त, अर्थात अच्छा हुआ बुरा हुआ हमारा जो अंदर में जो ख्वाहिश था यह पूर्ति हुआ तो आनंद हुआ, नहीं पूर्ति हुआ तो नहीं आनंद हुआ, ऐसा जो इष्टानिष्टोपत्तिषु इसमें समान दृष्टि समचित्तत्व समचित्त विशिष्ट हो जाना। उसका बाद मई च मुझ में मेरे में भगवान कह रहे हैं अनन्य जोगेन वैकांतिक निष्ठा जोग के द्वारा अव्यभिचारिणी अहेतुकी अप्रतिहता ज्ञातमासु प्रसीदति, ये जो भक्ति का अव्यभिचारिणी अहेतुकी अस्थिरा भक्ति और ये अगर आए अच्छा है। अविविक्तो देश सेवित्वम मतलब ये जड़ जगत का जो कोलाहल है, विषयी वार्ता है, इसमें अरुचि है, कोई इसमें लगन नहीं है, इसलिए अरोति मतलब अरुचि। और विविक्तो देश सेवित्तम मतलब निर्जन स्थान प्रियत्व, निर्जन मतलब ये जो लिखा हुआ है इसे निर्जन मतलब ये नहीं है, इसका माने ये नहीं है कि जड़ जगत का जो हमारा मन है विचार है बुद्धि है इसी को लेके जंगल में चले जाओ, ये निर्जन नहीं है। निर्जन का मतलब साधु संग में रहना, निर्जन का मतलब है साधु संग में रहना, हरि कथा में रहना, ये निर्जनत्व। इसका बारे में बहुत बार पहले भी चर्चा किया था, ये निर्जनत्व है। एक्चुअली साधु संगे कृष्ण नाम हरि कथा ये निर्जनत्व, निर्जनत्व का मतलब ये नहीं कि ये उपदेश दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ये उपदेश है कि ये बद्ध जीव अपना बद्ध जड़ इंद्रियों मन को लेकर भागो,
प्रिय व्रत का बारे में हम चर्चा किया था, याद है ना? प्रिय व्रत का बारे में, प्रिय व्रत का बारे में चर्चा किया था इस विषय में। और इसमें विविक्तो देश सेवित्वम जनसंसति, मतलब प्राकृत जनसंघ में अरति अर्थात मेटेरियल लोग जो है, जनसंघ है, जड़ जगत का जितना सारे आदमी हैं, सो को साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लगता, ये स्वाभाविक। जैसे रूप गोस्वामी पाद बताया ना, रूप गोस्वामी पाद अपना उपदेशामृत में बताया ना, रूप गोस्वामी पाद बताया जे भगवान अगर पिंजरे का अंदर में मेरे को आंख जलाकर, चारों ओर आंख जलाकर पिंजरे का अंदर धर दो, फिर भी ये कष्ट सहन कर लेंगे, लेकिन मुकुंद विमुख संगवासम वैशेषम, भगवान मुकुंद विमुख जड़ जगत का कोई आदमी के साथ मेरा संग ना हो, फॉलो। बरम बरम हुतावह पंजर अवस्थिति, पंजरांतर अवस्थिति, बरम रसामृत सिंधि में है, बरम हुतावह पंजरांतर अवस्थिति, मेरे को पिंजरे का अंदर में धर दो और चारों आंख जला दो ठाकुर जी, ये भी मंजूर है, लेकिन मुकुंद विमुख हो संगवास वैशसम, मुकुंद विमुख जड़ जगत का किसी आदमी का मेरा संग ना हो, इसको बोला गया। जो जन संसदी अरति अर्थात जड़ जगत का जो जितना सारे आदमी हैं लोगों का साथ संग करने में अरुचि है, और आध्यात्व ज्ञान नित्यत्वम अर्थात आत्म विषय ज्ञान के नित्य आलोचना, आध्यात्व ज्ञान नित्यत्वम आत्म विषय ज्ञान का चर्चा करना, और तत्व ज्ञानार्थो दर्शनम तत्व ज्ञान जो प्रयोजन है इसका चर्चा करना, इति एतत् ज्ञानम प्रोक्तम, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन ये सबको ज्ञान समझना है और इसको अनुभव में लाना, ये विज्ञान बन जाएगा। तो ध्यान से इस विषय पर ध्यान देना है, इस विषय पर अमानित्तम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपशमन शौचम आचार्योपशनम शौचम स्तज्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानु दर्शनम अशक्ति अनभिष्वंगः पुत्र दारगिहादिषु नित्यंच समचित्तत्वं इष्टो निष्टोपपत्तिषु मयि चानन्न योगेन भक्ति राभ्याभिचारिणी विविक्तो देशो सेवित्वं अरतिर जनसंगति जनसंसति विविक्तो देश सेवित्वं अरतिर जनसंसति आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रक्तम अज्ञानम तद अतो अन्यथा। इसका विपरीत जो कुछ है, जो हम चर्चा किया है, इसका जो ऑपोजिट, उसका विपरीत जो कुछ है, ये सब अज्ञान है। इसका माने है ठाकुर जी बताया, भक्ति ठाकुर जी अमानित्व, इसका सारे व्याख्या किया मैंने अभी, अमानित्व अदम्भित्व दम्भहीनत्व अहिंसा क्षांति आर्जव अर्थात सरलता सत्व का सहारा लेना आचार्य उपासना अर्थात गुरु सेवा शौचो अंतःशौचो बहिःशौचो सारी चर्चा किया स्थैर्यो अर्थात चित्त का स्टेबिलिटी आत्मनिग्रह
कंट्रोलिंग करना देहो इंद्रियों का आत्मनिग्रह बोला गया। इंद्रिय विषय में वैराग्य अतः शब्द स्वस्थ रूप रसों में इंद्रियो भक्त इंद्रो भागादूरी करता है, इसमें वैराग्य पैदा होना, इसका नाम है इंद्रिय विषय वैराग्य। अहंकार शून्यता, मैं करता हूं ये भी अभिमान बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये अहंकार शून्यता। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा विषय में अनित्य विषय में हर वक्त एकदम चिंता करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो शरीर का विक्रिया है होते रहता है प्रभृति, इस विषय में दोष देखना क्या रखा है इस जीवन जिंदगी में, इस विषय को बिल्कुल चिंता करना। ये शरीर में कुछ नहीं रखा तब तो क्या होगा, ये शरीर का साथ ये भोगने का जो चीज है इसमें लगन नहीं लगेगा बिल्कुल। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख छो दोषानुदर्शनम, ये सब विषय में दोष दर्शन अशक्ति इसका बारे में चर्चा किया। और अशक्ति का मतलब पुत्र आदि विषय आशक्ति शून्यता, पुत्र आदि जो सुख दुख है उसमें उदासीन रहना है, सर्वदा समचित्तत्व सब विषय में समान दृष्टि रखना। और भगवान कह रहे हैं कि मुझ में अनन्य अव्याभिचारिणी भक्ति करना कोई हेतु रही कुछ कुछ कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है ऐसे भगवान को भक्ति करना। अव्याभिचारिणी भक्ति, व्याभिचारिणी भक्ति मतलब मतलब कोई कोई टारगेट रखते हुए कोई आशा है आकांक्षा है कामना वासना है ये व्याभिचारी भक्ति। और व्याभिचारी भक्ति में इसमें कोई कामना वासना नहीं है, आप विविक्त स्थाने अवस्थिति निर्जन, निर्जन मतलब हरिकथा कीर्तन साधु संग यही निर्जन है। और दुर्जना किरण स्थाने अरति जिसमें विषयी वार्ता हो रहा है, जिसमें विषयी वार्ता चलते रहता है इस विषय औरति कोई अटेंशन नहीं है रुचि नहीं है, ये दुर्जना किरण स्थान में जाना इच्छा नहीं है औरति। आध्यात्म ज्ञान नित्य आध्यात्म जो ज्ञान इसमें नित्य बुद्धि यही नित्य है, तत्व ज्ञान को ये सबसे बड़ा प्रयोजन है, तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन रूप मुख्यानुसंधान। ये विंशति ये 20 किस्म का जो विषय अभी चर्चा हुआ है ये सब विषय को जो अनभिज्ञ व्यक्ति जो भजन में कोई एक्सपीरियंस जिसका नहीं है उटपटान ये सब व्यक्ति का धारणा है, ये जो 20 किस्म का विषय जो बताया है ये लोग सोचता है कि क्षेत्रों का विकार गलत फहमी है। जे लोग भजन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है कुछ नहीं है ये लोग कहते हैं ये जो 20 किस्म का जो विषय हमने चर्चा किया अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षंतिरार्जवम आचार्य उपसनम शौचम स्थौजमात्म विनिग्रह ये जो सब चर्चा किया ये 20 किस्म का विषय जो है भगवान अभी चर्चा किया है अभी बोला ये इसको ज्ञान बताया है। लेकिन जिसका भजन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ये सब व्यक्ति इसको क्षेत्रों का विकार बोल के विकार बोल के एक तो कमेंट करता है ये क्षेत्रों का ये विकार बोलता है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया वस्तुतः ये सब जो है ये ज्ञान स्वरूप है, ये सब जो है सारे जो एक एक करके हमने चर्चा किया ये हमारा भजन में सहायत सहयोग करने वाले हैं। भजन मतलब सेवा भक्ति यही तो माने हैं, तो हो सके कि भजन भक्ति का साथ इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, फिर भी ये जो जितना सारे 20 किस्म का विषय बताया इसके द्वारा ये जो 20 किस्म का विषय का आश्रय करने से विशुद्ध तत्व ज्ञान लाभ होता है, विशुद्ध तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। ये 20 विषय पूरा छानबीन कर ये सब चीजें जो हैं 20 किस्म का
ये अनभिज्ञ व्यक्ति जो एक्सपीरियंस जिसका नहीं है भजन में, ये क्षेत्रों का विकार बताता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, क्षेत्रों का विकार नहीं है। क्षेत्रों का विकार तो नहीं है 100%, परंतु क्षेत्रों का जैसे जैसे कोई कोई फील्ड में, कोई आबादी क्षेत्रों में कोई आबादी किया, आबादी करने के बाद कीटनाशक औषध स्प्रे करता है ना खेतों में, स्प्रे करने का मतलब है कोई कीटाणु कीट पतंग ना आके हमारा फसल को, हमारा अनाज को खराब ना कर दे। इसीलिए ये जो क्षेत्रों का, ये जो हमारा फील्ड है, ये जो हमारा फील्ड है, इसमें बोने का बाद, फसल होने का बाद धीरे धीरे हमको कीटनाशक औषध प्रयोग करना है। तो भक्तिमोहन ठाकुर जी ने बताए ये जो है ये क्षेत्रों का विकार नाशक। क्षेत्रों का विकार तो बिल्कुल नहीं है, क्षेत्रों का विकार तो बिल्कुल नहीं है। क्षेत्रों का विकार के बारे में पहले बताया था, 24 तत्व आदि ये क्षेत्रों का साथ जुड़ा हुआ है। अब बाकी ये सब बताया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको भजन में सहयोग करने वाला है, तो ये बिल्कुल क्षेत्रों का विकार तो है ही नहीं, बल्कि और उल्टा ये क्षेत्रों का कोई विकार अगर पैदा हो उसका नाश करने के लिए औषध स्वरूप, ये क्षेत्रों विकार का औषध स्वरूप है, ये क्षेत्रों विकार नहीं है। ये विंशति जो 20 किस्म का विषय हमने चर्चा किया, भगवान इस 20 किस्म का विषय का चर्चा करते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो अर्जुन ये 20 किस्म का जो विषय है ये भजन में सहयोग करने वाले, धीरे धीरे मेरे को बैकिंग करेगा, ये मेरे को बैकिंग करेगा, और ये क्षेत्र विकार बिल्कुल नहीं है, और उल्टा क्षेत्र विकार जो अगर होने वाला है इसका औषध स्वरूप है, और ये 20 किस्म का विषय का अंदर मेरे में जो अनन्य अव्याभिचारिणी भक्ति, ये सबसे बड़ा वाइटल चीज है। अर्जुन को बताया भगवान, ये 20 किस्म का विषय बताया, लेकिन इसमें अनन्य अव्याभिचारिणी भक्ति जो है इसको ही तुमको ग्रहण करना है ज्यादा से ज्यादा। अव्याभिचारिणी भक्ति एकमात्र अवलंबनीय, बाकी 19 जो विषय है भक्ति का अवांतर फल स्वरूप, क्षेत्रों का शुद्धता प्यूरिटी, और अंतिम में जाकर जीवों का जो अशुद्ध क्षेत्रों का जो इम्प्योर जो हार्ट का फील्ड है, अशुद्ध जो क्षेत्र है नाशपूर्वक नित्य सिद्ध क्षेत्रों का उदय संपादन करने में सहयोगी हो, नित्य सिद्ध क्षेत्र का उदय कर देगा, जिसमें भक्ति देवी आके बैठ सकती है, भक्ति देवी का सिंहासन स्वरूप बोल के जानना है। ये जो 19 विषय है ये ज्ञान है, अर्थात स्वविज्ञान ज्ञान, और बाकी जो चीज है इस छोड़ के, इसके अलावा बाकी जो चीज है ये सारे अज्ञान है, ये बाकी जो चीज है इस छोड़ के बाकी जो चीज है सारे ये अज्ञान है, ये ज्ञान है। इसका विषय में बलदेव विद्याभूषण बहुत सारी चर्चा किया, याद है पहले जो चर्चा किया था क्षेत्रों से पृथक रूप में ज्ञेयो जीवात्मा, क्षेत्रों फील्ड है जीवात्मा, इस बारे में जानकारी है, इससे जीवात्मा को भी क्षेत्रों को बोला गया, और एब्सोल्यूट क्षेत्रों को इसका बारे में परमात्मा रूप क्षेत्रों को विस्तृत भावे ये सब चर्चा किया है। ये ओवरऑल जो कंट्रोलिंग है, ओवरऑल जानकारी जो है ये परमात्मा रूप में भगवान है, ये एब्सोल्यूट क्षेत्रों को हैं, जीवात्मा क्षेत्रों को जरूर है, ये सब विषय में चर्चा किया।
और जो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग में चलने वाले, वो अमानित्वादि गुण समूह के साधन रूप आश्रय करके अभ्यास करते हुए भगवान में अनन्य अव्याभिचारिणी भक्ति लाभ में इसका कोई अटेंशन नहीं रहता। ज्ञान मार्ग में ये जो 20 विषय बताया है, ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी लोग मतलब जो निर्विशेष ज्ञान जो है, ये लोग भी ये सब चीजों को सहारा लेता है, लेकिन ये लोगों का अटेंशन नहीं है, ये लोगों का बिल्कुल अटेंशन नहीं है जे कैसे भगवान में अनन्या अव्याभिचारिणी भक्ति लाभ किया जाए, इस विषय में लोग का जत्न नहीं है, अटेंशन नहीं। अगर बाहर का कोई आदमी, जो एक्सपीरियंस नहीं है, वो अगर कहे कि महाराज ज्ञानी गुण का अंदर में भी मैंने भक्ति देखा है, अगर ऐसा कहे कोई महाराज हम ज्ञानी गुण का अंदर में, ज्ञानियों का अंदर में भी कुछ भक्ति देखा है महाराज, तो इसका बारे में चर्चा किया, बलदेव विद्याभूषण जी ने बताया ये केवल ज्ञान सिद्धि का निमित्त हो, किसी ने अगर ज्ञानी व्यक्ति का अंदर में थोड़ा बहुत भक्ति का टच देखा, ये ऑब्वियसली नॉट टू गेट भक्ति, भक्त्या संजात या भक्ता, ये भक्ति है, ये केवल तात्कालिक भक्ति, आरोपित तो भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, ये केवल ज्ञान सिद्धि का निमित्त है बस, और कुछ नहीं है, ये अंतिम में भक्ति नहीं जाता है, ये ज्ञान सिद्धि का निमित्त में, इसलिए ये थोड़ा बहुत भक्ति का देखा, क्योंकि बिना भक्ति ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में, किसी भी रास्ते में बिना भक्ति का कृपा ये फल नहीं मिलेगी कोई। तो भगवान अर्जुन को बताए जितना सारे जावतीय साधन भक्ति का अंदर सबने बता दिया, अनन्य अव्याभिचारिणी भक्ति ये मुख्य है, प्रिंसिपल सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा चीज है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। शुद्ध भक्तगण भगवान में अनन्य भक्ति करने वाले हैं, अनन्य भक्ति छोड़कर कुछ चाहता ही है न। जो भी है ज्ञानी गणों का अंदर में भक्ति प्राप्ति करने का, भगवान का नित्य सेवा प्राप्ति करने का कोई इच्छा नहीं है, बाहरी दृष्टि में कुछ थोड़ा बहुत भक्ति का सहारा ले लिया, यह है ज्ञान सिद्धि का निमित्त है। ज्ञान सिद्धि का निमित्त है, ये अल्टीमेटली भक्ति नहीं चाहता, अनन्य भक्ति योग ये लोग का इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहता। 12 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जो गेयम जत्त प्रवक्षामि जज ज्ञात्या अमृतम अश्नुते, हे अर्जुन, ये जो ज्ञातव्य विषय है क्या जानना है, अल्टीमेटली ये ज्ञातव्य विषय है, इसका विषय में भगवान कह रहे हैं, जो जानने का बाद मोक्ष लाभ होता है, मतलब यो वस्तु है, वो वस्तु है जो अनादि है, मदाश्रित ब्रह्म तत्व, जिसको कार्यो व कारण ये दोनों का बार है, कॉज एंड इफेक्ट का बार, कार्यो कारण कुछ नहीं है इसमें, इसे दिखाने क्योंकि इटर्नली प्रेजेंट है, कार्यो कुछ कार्यो और कार्यो का कारण रूप से, ये कुछ कार्यो कारण के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बताया गेयम जब तत् प्रवक्षामि, जो चीज तुमको अल्टीमेटली जानना है वो मैं बताने जा रहा हूं, गेयम जब तत् प्रवक्षामि जज ज्ञाता अमृतम अश्रु, जो जानने के बाद अमृत प्राप्त होगा, और अनादि मत परम ब्रह्म, ये अनादि कौन, अनादि मत परम ब्रह्म न सदसत उच्चते, इस विषय में
बताया नौ शत उच्चते अनादि मत्परम ब्रह्मो नौ शत उच्चते। ध्यान देना, गेयम जत तत् प्रवक्षामि जत ज्ञात अमृतम अश्नुते अनादि मत्परम ब्रह्मो नौ शत उच्चते तत्तहा नौ शत उच्चते। ये सत और असत का बाहर है, कार्यो अकारण बोला नहीं जाता। हे अर्जुन, तुमको जो ये जो क्षेत्र तत्व और क्षेत्रज्ञ तत्व हमने बताया है, अर्जुन तुमको क्षेत्र तत्व के बारे में बताया, क्षेत्रज्ञ तत्व के बारे में बताया। क्षेत्र बोलने से शरीर समझता है आदमी, इसका स्वरूप विकार और विकार विकारग्न प्रक्रिया रिएक्शन सारे इसको बताया। क्षेत्र का विकार क्या क्या चीज है, इस सब बारे में मैं खुलासा किया। इसी क्षेत्र का ज्ञाता जो है जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं, इस विषय में चर्चा किया। जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा एब्सोल्यूट क्षेत्रज्ञ है, इस विषय में भी चर्चा किया। वही क्षेत्र तत्व और क्षेत्र ये जो क्षेत्र तत्व और क्षेत्रज्ञ तत्व का ज्ञान का नाम है विज्ञान। इसी प्रकार का जो क्षेत्र तत्व है और क्षेत्रज्ञ तत्व बताया, इस विषय में जो ज्ञान है इसका नाम है विज्ञान। इसका बारे में भी मैंने चर्चा किया। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, एट प्रेजेंट संप्रति इसी विज्ञान के द्वारा जो तत्व अनुभव में आने वाला है, संप्रति एट प्रेजेंट उसी विज्ञान के द्वारा जो तत्व ज्ञेय हैं, किस विषय का जानकारी हो सकता है, इस विषय में मैं बताने जा रहा हूं, आप कृपा करके सुनना। इसी ये जो इसी क्षेत्र वस्तु इसी ज्ञेय वस्तु, ये ज्ञेय वस्तु यह है जो जानने वाले वस्तु है, जिसको जानकारी हम प्राप्त करने की दौड़ रहे हैं। ये अनादि मत्पर अर्थात अमर आश्रित तत्व सत असत उभयर अतीत ब्रह्म शब्द वाच्य जीव, इस विषय में बहुत खुला चर्चा करना है। सुंदर, ये जो ज्ञेय वस्तु है जिसका बारे में जानने से पूरे सारे अंधेरा मिट जाएगा। ये जो ज्ञेय वस्तु है अनादि और मत्पर अर्थात हमारा आश्रित तत्व है और एवं सत एवं असत उभय विषय का अतीत है। सब सद भी नहीं असत भी नहीं, इसका ऊपर अतीत ब्रह्म शब्दवाच्य जीव है। इसका तत्व और स्वरूप जानने का बात, इसका तत्व और इसका स्वरूप जानने का बात मद भक्ति रूप अमृतो हो सकता। भक्ति में ठाकुर ये व्याख्या है, अमृत मतलब भक्ति, भक्ति छोड़कर दूसरा चीज को अमृत नहीं माना गया। मई भक्ति ही भूतानाम अमृतो ताय कल्पते। तो भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं, ठाकुर का कहना है कि इसका तत्व और स्वरूप अवगत जानने से मद भक्ति रूप अमृतो भोग लाभ होता है। गेयम जत तत् प्रवक्षामि जत ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परम ब्रह्मो नौ शत उच्यते। अनादि मत्परम ब्रह्मो नौ शत उच्यते। मैंने इसको स्प्लिट अप करके पढ़ना है ऐसे, अनादि मत्परम ब्रह्मो नौ शत उच्यते, ऐसे पढ़ना है। अमृतो प्राप्त कर सकता है, भक्ति अमृतो
और इस बारे में परमेश्वर क्षेत्रज्ञ पति है एब्सोल्यूट, और जीवात्मा ये भी क्षेत्रज्ञ हैं, इसका बारे में सारी चर्चा हुआ। और अगर जीवात्मा का अंदर में ये भावना आ जाए मैं हरि का ही दास हूं, दूसरा किसी का दास मैं नहीं हूं, ये भावना अगर आ जाए तो ठीक है। किसी का अंदर में अगर ये भावना आ जाए मैं हरि का दास हूं, मैं किसी का और किसी का दास नहीं हूं, ये भावना आना जरूरी है। मायावादी लोगों इस विषय में तर्क उठाता है, मायावादी लोग इस विषय में तर्क उठाता है। ये लोग बोलता है एक जीव बात का बारे में चर्चा किया था, और भागवत जी महापुराण में भी एक श्लोक है, सुंदर श्लोक है, इसका द्वारा दशम स्कंद है, जिसका बारे में चर्चा जरूरी है। अपरिमिता ध्रुवास्त्र निभृतो यदि सर्वगता, ये जो श्लोक है भागवत का वेद स्तुति में आता है। अपरिमिता ध्रुवास्तु भीतो यदि सर्वगता तरहीन शाश्वते इति नियमो ध्रुव ने तो रथा अजनित जनमयो जदमीचु जद विमुच नियंत्री भवेद सममनु जानतम जदमतम मत दुष्टतया। सुतुगन कहता है जीव का संख्या असंख्य है, अनंत है। श्रुतिगण कहता है ये जीव हे नित्य स्वरूप भगवान, ये शरीरधारी जो जीव है ये असंख्य है, जीव अनंत है, जीव अनंत है, जीव एक एक जीव बात नहीं है, अनंत जीव है, जीव नित्य है, नित्यो नित्यानम बताया था, इसमें जीव भी नित्य है और जो नित्य का जो सोर्स है वो भी नित्य है भगवान। जीव अनंत अनगिनत है, असंख्य है, और ये नित्य है, जीव नित्य है। और कोई अगर ऐसा बताए जीव जीव ये जो है जीवों का ईशितव्य, अर्थात जीव भगवान का कंट्रोल में है, ये बात नहीं मानता मायावादी। जीव जो भगवान का कंट्रोलिंग में है, जीव शासन योग्य है, ईश्वर शासक है, ईश्वर शासक है, कंट्रोलर है, व्यापो व्यापक संबंध है, भगवान व्यापक है, जीव व्यापो है। इस बारे में मायावादी का कंफ्यूशन है। जीव ईशितव्य अर्थात शासो, ईश्वर शासक है ना, जीव ईशितव्य अर्थात शासन योग्य है और ईश्वर शासक है। जीव शासन योग्य है, जीव आपका गण और भगवान शासक है। इस विषय अगर नहीं होता तो पूरा नियम का उलट पलट हो जाएगा। पूर्वोक्त सिद्धांत में जीव सेवक, इसमें यह सिद्धांत आता है कि जीव सेवक है, आप सेव्य है, और मायावादी का विचार के द्वारा ये नियम उल्टा हो जाता है, ये नियम स्थिर नहीं रहता। ये जो विचार है जीव सेवक है, जीव सेवक है, आप सेव्य है, ये नियम स्थिर नहीं होगा। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता, जीव को अगर व्यापक बताया जाए तो पूरा नियम का तोड़फोड़ हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसा है जो सेव्य सेवक संबंध ये ठीक है, जीव व्यापक नहीं है, व्यापो अनुपरिमाण, ये सब विषय में भागवत जी महापुराण में ये सब बताया। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता स्तर, जीव यदि अगर सर्वगत है
अर्थात व्यापक है, तो ये तो सेव्य सेवक संबंधों का, भगवान का साथ जीवों का जो सेव्य सेवक संबंध, ये तोड़फोड़ हो जाएगा। तरहीन सत्यत नियमो ध्रुवो ने तो रथा, उल्टा हो जाएगा। जो लोग ब्रह्मों का साथ जीवों का सर्व विषय में समान ज्ञान करता है, ये मत दूषित है, ये मन दूषण दूषित है, ये कभी हो नहीं सकता, ये सिद्धांत तो गलत है। इस विषय पर विष्णु पुराण का भी एक श्लोक है, विष्णु पुराण का जो श्लोक है हमारा, इसमें विष्णु शक्ति परा पक्त्या क्षित्रज्ञाख्याता परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिश्वते, ये जो बताया था ये श्लोक, इसके द्वारा ये पूरा सिद्धांत विचार है। विष्णु शक्ति परापृक्ता, विष्णु शक्ति परापृक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिश्वते। विष्णु शक्ति तीन प्रकार का मैनिफेस्टेशन, इसमें पराशक्ति है, उसका बाद क्षेत्रज्ञा शक्ति है जो जीव है, और अविद्या कर्म संज्ञाना, ये तीन किस्म का। अब विष्णु का जो पराशक्ति है ये चित शक्ति है, विष्णु का जो पराशक्ति है ये चित शक्ति है, और क्षेत्रज्ञा शक्ति है ये जीव शक्ति है, और अविद्या कर्म संज्ञा रूपा जो शक्ति है माया है, माया। ये तीनों का विषय में चर्चा हुआ है, विष्णु शक्ति परा प्रक्ता क्षेत्रज्ञाख्या अपरा अविद्या कर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति रिश्वते, इस विषय में चर्चा हो। इसलिए मायावादी का विचार हर हालत में गलत है, और अगर जीव को ब्रह्म बोला जाए, अगर जीव को ब्रह्मो भी बोला जाए, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये जो इसका जो क्वालिटी है, जीव ब्रह्म वस्तु है लेकिन परब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वस्तु जरूर है सर्वतो, है ना, जीव सर्वतोभावे सर्वतो रूप से ब्रह्म का साथ अभिन्न नहीं है। इसके वो जो चित स्वरूप है, इसमें इसका चित स्वरूप है, ब्रह्म चित स्वरूप है, और जीवात्मा भी चित स्वरूप, इस विषय में एक है, बाकी विषय में हो नहीं सकता एक साथ। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व में जो जीव तत्व के बारे में बताया था, इसमें आता है अचिंत्य भेदाभेद, एक ही साथ भेद और अभेद, एक ही साथ भेद और अभेद दोनों विषय ही सिद्ध होता है। अभेद इसलिए है कि क्वालिटेटिवली अर्थात गुणगत विचार किया जाए तो ये चित पार्टिकल है जीवात्मा, और ब्रह्म वस्तु भी चित है, और अभेद है इसलिए कि ये अनुचैतन्य है और भगवान विभु चैतन्य है। इसलिए अचिंत्य भेदाभेद विचार में भेद का भक्तिमोहन ठाकुर बताया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व का अंदर में भेद का प्राबल्य है, इंटेंसिटी भेद का प्राबल्य है। अचिंत्य भेदाभेद जरूर है, लेकिन अचिंत्य भेदाभेद का मतलब ये नहीं कि एकाकार हो गया अनुचैतन्य जीव और विभु चैतन्य का, ऐसा नहीं। इसका माने ये है जे इसका गुणगत विचार, ये चेतन वस्तु है, विचेतन वस्तु है, लेकिन ये अनुचैतन्य है, विविचे, इसी विषय में इसका फर्क है। चैतन्य चरितामृतों का मध्य खंडों में जो चर्चा हुआ था, सार्वभौम भट्टाचार्यों का साथ महाप्रभु का जो विचार हुआ था, इसमें महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्यों के सामने इस बात को उठाया था, अपानिपाद इत्यादि चर्चा करके सार्वभौम भट्टाचार्य जो बताना चाहा, भगवान का निर्विशेष स्वरूप ही ठीक है,
लेकिन महाप्रभु जी ने बताया चैतन्य ज्योतामृत में है, निर्विशेष तारे कहे सही श्रुतिगण प्राकृत निषेधी करे अप्राकृत स्थापन। सार्वम भट्टाचार्य को महाप्रभु जी ने बताया निर्विशेष का विचार वेदों में किसी किसी जगह है, इसका लेकिन इसका मतलब नहीं है भगवान निराकार निर्विशेष है। इसका मतलब है भगवान का प्राकृत जो इंद्रियां हैं, प्राकृत मन है, ये नहीं है। महापू जी ने बताया निर्विशेष तो है, श्रुति में कोई कोई जगह ऐसा है निर्विशेष बताया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का अप्राकृत अप्राकृत इंद्रियोग्राम नहीं है, ये नहीं। इसका मतलब है प्राकृत इंद्रियों का निषेध है, प्राकृत इंद्रियों निषेध है, अप्राकृत भगवान का इंद्रियो जरूर है। महापू जी ने बताया निर्विशेष तारे कहे सही श्रुति गहन प्राकृत निषेधी करे अप्राकृत स्थापन। प्राकृत इंद्रियो भगवान का नहीं है, अप्राकृत इंद्रियो जरूर है। इंद्रियाणि यस्य सकल इंद्रियो वित्तमन्ति पश्यन्ति पंत कलयन्ति चिरं जगन्ति। इस विषय में ब्रह्म संहिता में प्रमाण है इंद्रियाणि यस्य सकल इंद्रियो वित्तमन्ति, इंद्रियाणि यस्य सकल इंद्रियो वित्तमन्ति, जिस भगवान का एक एक इंद्रियो जो एक एक इंद्रियो दूसरा इंद्रियो का भी काम कर सकता। ब्रह्म संहिता में बताया इंद्रियाणि यस्य सकल इंद्रियो वित्तमन्ति, सकल इंद्रियो वित्तमन्ति मतलब एक इंद्रियो जो है दूसरा इंद्रियो का भी काम कर सकता, आंखों के द्वारा चल सकता, आंखों के द्वारा खा सकता, आंखों के द्वारा सुन सकता। इंद्रियाणि यस्य सकल इंद्रियो वित्तमन्ति, एक एक इंद्रियो जो है ये तमाम बाकी आदर इंद्रियों का काम कर सकता है। ये बड़ा अजीब चीज है, विश्वास नहीं होगा। इसे ब्रह्म संहिता में बताया गया क्योंकि आदमी अगर सोचने जाए तो उसका जो मेटेरियल बैंक जो है एक्सपीरियंस बैंक इसमें विचार करने जाएगा, और भगवान तो इनकॉन्सिवेबल चिंतातीत वस्तु है, अचिंत वस्तु है। सो इंद्रियाणि यस्य सकल इंद्रिय वित्तमन्ति पश्यन्ति पंत कलयन्ति चिरं जगन्ति। एक एक इंद्रियों के द्वारा भगवान देख सकता है, सुन सकता है, सब कुछ कर सकता है, ये सब विचार है। और चैतन्य चरितामृत में ये हय शीर्ष पंचरात्रों का वचन उठाया, ये चैतन्य चरितामृत में एक कोटेशन दिया गया कृष्णदास कबीरदास जी ने उठाया महाप्रभु का ये जो विचार रखते हुए हय ये जो चैतन्य चरितामृत उद्धृत हो चैतन्य चरितामृत में उठाया है इस श्लोक को उद्धृत किया हय शीर्ष पंचरात्र वचन है जिसमें दिया हुआ है जाजा सुतिर जलपति निर्विशेषण शाशा अभिधत्ते सविशेषमेव। जो जो श्रुति जहां 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 जो जो श्रुति ब्रह्म के बारे में निर्विशेष निर्विशेष सिद्धांत का स्थापना किया है हय शीर्ष पंचरात्रों में सिद्धांत दिया गया जाजा श्रुतिर जलपति निर्विशेषण सा सा अविधत्ते सविशेषमेव विचार जोगे सती हंतो तासाम प्रायो वरिहा सविशेषमेव च। अर्थात इसका मतलब ये है जो जो श्रुति महापू जी ने बताया जो जो श्रुति ये तत्व वस्तु ब्रह्म को निर्विशेष रूप में स्थापन किया है प्रिलिमिनरी पहले जो जो श्रुति तत्व वस्तु को पहले निर्विशेष रूप में कल्पना किया है वही वही श्रुति अल्टीमेटली अवशेष फाइनली दे आर गोइंग टू कंक्लूड फाइनली ये सब श्रुति को देखो विचार करके ध्यान लगाकर देखो फाइनली दे आर गोइंग टू कंक्लूड समथिंग एल्स। अर्थात सविशेष तत्व का स्थापना करने के लिए पहले ये सब बताया। निर्विशेष और सविशेष दोनों ही सच्चा है भगवान का, लेकिन केवल निर्विशेष भगवान का जो स्वरूप ये नहीं हो सकता।
इसीलिए इसमें बताया गया जाजा श्रुतिर जलपति निर्विशेषण शाशा विधत्त सविशेषमेव विचार जोगे सती हंतो तासाम प्रायो वलियः सविशेषमेव। जो जो श्रुति पहले शुरुआत में निर्विशेष करके व्याख्या शुरू किया अल्टीमेटली ये श्रुति अल्टीमेटली देखो सविशेष तत्व का प्रतिपादन किया है। ध्यान लगाकर देखना निर्विशेष सविशेष भगवान का द्वि नित्य स्वरूप है ये विचार करने से ये तो ठीक है ये पक्का है भगवान का निर्विशेष रूप सविशेष दोनों ही पक्का है नित्य। लेकिन ये विचार करने से सविशेष तत्वों का प्रभाव बहुत असर बहुत प्रभाव भगवान का सविशेष तत्वों का प्रभाव बहुत प्रभाव है ये सविशेष तत्वों का प्राबल्य है। क्योंकि जगत में सविशेष तत्व अनुभव का विषय होता है। भक्तिवेन ठाकुर ने बताया क्योंकि ये जगत में सविशेष तत्व ही अनुभव में आता है निर्विशेष तत्व अनुभव में नहीं आता। भक्तिवेन ठाकुर जी ने बताया इस विषय में एक यहां जो निर्विशेष ज्ञानीगण निर्विशेष जो ज्ञानी व्यक्ति है निर्विशेष ज्ञानीगण ज्ञेय वस्तु ध्यान देना यहां एक विशेष बात है जो निर्विशेष व्यक्ति का जो साधन है उसका जो साधन है इसमें निर्विशेष ज्ञानीगण जो व्यक्ति है ज्ञानी है वो जो अपने को ज्ञानी मानता है वास्तविक तो ज्ञानी नहीं है फिर भी चलो ठीक है निर्विशेष लोग अपने को ज्ञानी मानता है। यो निर्विशेष ज्ञानीगण अल्टीमेटली जो ज्ञेय वस्तु है निर्विशेष ज्ञानीगण जो प्राप्ति करने के लिए दौड़ रहा है जो उसका जो ज्ञेय वस्तु है वो क्या है ब्रह्म वस्तु। और गीता में भगवान पहले ही बता दिया गीता में 14 नंबर अध्याय में आएगा आगे का अध्याय में आएगा या भगवान बता दिया ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा हम आई बात समय में मतलब निर्विशेष व्यक्ति जो अल्टीमेट टारगेट पकड़ कर चल रहा है ब्रह्म वस्तु को प्राप्ति करने के लिए उस विषय में भगवान 14 नंबर अध्याय में बताया जो ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम। तो क्या बात सिद्धांत तो आया देखो विचार इसमें यह विचार आता है निर्विशेष ज्ञानीगण का जो ज्ञेय वस्तु है ब्रह्म वस्तु है ये तो कृष्ण का आश्रित है आई बात समझ में ये तो कृष्ण का आश्रित है इसलिए कृष्ण आश्रित है इसलिए मत परो ये जो शब्द व्यवहार किया जो मत परो इसलिए मत परो ये जो शब्द व्यवहार किया है ये जो ज्ञेय फिर द्वारा मैं 12 नंबर श्लोक को पढ़ रहा हूं ज्ञेयम 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 यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत परो या ये बात को अनादि मत परो इस बात को ध्यान देना है अनादि मत परो ब्रह्म न सत तत् नाशत उच्यते आई बात समझ में। तो यह जो निर्विशेष वैदि का जो ज्ञेय वस्तु है जो ब्रह्म वस्तु ये तो कृष्ण का आश्रित है कृष्ण का आश्रित है इसलिए मत परो ये शब्दों व्यवहार किया ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम। शास्त्रों में बहुत जगह गीता ऐसा चीज है इसको लेकर मायावादी भी व्याख्या किया कर्मकांडी एक्स मिशन वाई मिशन ये लोग भी व्याख्या किया किसका व्याख्या हम सुने किसका व्याख्या सुनने जाए मायावादी भी व्याख्या किया गीता को तरह तरह का विचार बताए लेकिन हमको पकड़ना है विश्वनाथ चक्रवर्ती बलदेव विद्यावसन भक्तिविनोद ठाकुर सिद्धो साईं बाबा ये लोगों का विचार लेना है वो लोगों का विचार नहीं लेना बिकॉज वो लोगों का जो विचार है इनकम्प्लीट विचार है।
मायावादी का विचार इनकम्प्लीट है। देखो ये ना सर्वपल्ली राधा कृष्णन मायावादी है, वो भी व्याख्या किया गीता का है। गांधी जी मायावादी, वो भी व्याख्या किया। और क्या, वल्लभ भाई पटेल का थोड़ा बहुत कुछ था, वल्लभ भाई पटेल का जो भी है सारे व्याख्या किया। ऋषि अरविंदो इसका जोक पर व्याख्या किया। तो किस व्याख्या को लेना है, हमको लेना है गौड़ीय संप्रदाय का जो व्याख्या है इसको कंप्लीट व्याख्या बोला जाता है, ये इनकम्प्लीट नहीं है। वो लोगों का व्याख्या का इनकम्प्लीट व्याख्या है। ये लोगों का शास्त्रों का जो विचार है इस विचार पर चलने जाओ तो ये कंप्लीट विचार नहीं हो सकता। शास्त्रों में जगह जगह ये जीव को ब्रह्म बोल के बताया गया, ये तो ठीक है। शास्त्रों में कई जगह जीव को ब्रह्म बताया गया, ठीक है। इसमें क्या गलती है, जीव तो ब्रह्म वस्तु है, इस हिसाब से लिखा गया। शास्त्रों में बहुत जगह जीव को ब्रह्म बताया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये जो परब्रह्म जो है परब्रह्म के साथ एकाकार है, ऐसा नहीं बताया। शास्त्रों में बहुत जगह जीवों को ब्रह्मो बताया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जीव हर हालत में ब्रह्मो का साथ अभिन्न है, ब्रह्म वस्तु है, ठीक है। केवल इसका चित स्वरूप को सामने रखते हुए ऐसा बताया, वेद उपनिषद में किसी किसी जगह ये सब बताया, इस विषय में बताया गया। और ये भगवद गीता में भी ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सचति न कंकति समो सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते, इस विषय में चर्चा हो गया। या ब्रह्म भूत का मतलब क्या है, क्यों प्रसन्न आत्मा हो जाता है, इस विषय में बताया। अब ये प्रश्न आता है न सत, ये जो एक शब्द है, ये जो न सत तत् ना सत अतत, ये तद्वस्तु जो है, ये तद्वस्तु जो है जिसको ओम तत्सत बताया गया, इस विषय में विचार किया गया जो ब्रह्म वस्तु है इसका को कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट इसका बाहर है। आई बात समझ में, ये तो ओम तत्सत ठीक है, ओम वस्तु तद्वस्तु सद्वस्तु ठीक है, लेकिन इधर जो बताया गया किस हिसाब से, ये जो नौ सत ये जो विशुद्ध जीवात्म वस्तु एक कार्य कारण से संबंधित नहीं है, कार्य और कारण से संबंधित नहीं, दोनों से परे है। शुद्ध जीवात्म वस्तु कार्य कारणात्मक अवस्था दय रहित है, विरहित है, किंतु परमाणु चैतन्य वस्तु होने के नाते भगवान का साथ इसका तुलना किया जाए, इसमें कोई दोष नहीं है। सो यहां जो सत असत जो बताया है, सत नौ सत इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब है कार्य कारण का अतीत वस्तु है, इसलिए बताए। अगले श्लोक में भगवान बताए हैं अर्जुन को, सर्वतो पाणिपादम तत्सर्वतो खीशिर मुखम सर्वतो श्रुति मल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। एक बड़ा इंपॉर्टेंस है, सप्त श्लोकी गीता में ये आता है, सर्वतो पाणिपादम तत्सर्वतो खीशिर मुखम सर्वतो श्रुति मल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। इसका माने ये है, ये जो ब्रह्म तत्व वस्तु है ये सर्वत्र हस्तपदादि विशिष्ट चारों ओर, ये जो उपनिषद में बताया था ना, उपनिषद में क्या बताया, अपानिपाद यवनो गृहीत्वा श्रृणति अकर्णो पश्यति चक्षु श्रृणति अकर्णो,
ये ब्रह्म तत्व जो है सर्वत्र हस्त पदादि विशिष्ट, सर्वत्र इसका आंखें हैं, मस्तक है, मुख युक्त है, सर्वत्र कान कर्ण है कान। आज ये जगत को, ये जगत जगत में, ये जगत में समस्त वस्तु व्याप्त होके अवस्थित है। ये तमाम जो जगत है ये व्याप्त होके अवस्थित है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कि किरण समूह जैसे सूर्य का जो सविशेष मूर्ति, वहां से सूर्य का जो सूर्य से जो किरण रश्मि किरण समूह, सूर्य से जो रश्मि मतलब ये जो किरण निकालते हैं, ये सूर्य से निकालते हुए हमारा दृष्टिगोचर होता है। इसी रूप भगवान कहना चाहा कि जैसे सूरज से सूर्य रश्मि निकलते हुए चारों ओर व्याप्त होते रहता है, ऐसे प्रभाव स्वरूप परमात्मा तत्व सर्वव्यापी होके रहता है। सर्वव्याप्ति हमारा प्रभाव स्वरूप परमात्मा तत्व सर्वव्यापी होके रहता है। इस जगत को जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया, ये परमात्मा तत्व जो है सारे जीव को धारण करके रखा है। ब्रह्मादि से लेकर चेटी तक अनंत जीवेर अवस्थान आश्रय, जो आश्रय जो भागवत में दस आश्रय नौ किस्म का वस्तु का चर्चा किया और दसम वस्तु आश्रय है जैसे बताया था भागवत में, कल इस विषय में चर्चा करेंगे। ये जो ब्रह्मा से लेकर चेटी तक अनंत जीव का अवस्थान जो है आश्रय है, ये परमात्मा है, परमात्मा तत्व। अनंत जीव गणों में अनंत पानी पाद, अनंत चक्षु सिर मुख, ये सारे संयुक्त रूप में व्याप्त होके इस जगत में विराजमान है। संयुक्त रूप में है सकल के आवृत व्याप्त होकर अवस्थित है। सर्वतो पानी पादम तत्सर्वतो अखिशिर मुखम सर्वतो श्रुति मल्लोक सर्वम आवृत तिष्ठति। यदि अगर ये विचार उठाया जाए, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, यदि अगर इस विचार को उठाया जाए ब्रह्म को सत ब्रह्म वस्तु के हो, यदि अगर ये विचार किया जाए जे ब्रह्म का जो सत असत से पार्थक्य होने से, ब्रह्म वस्तु को सत असत से ब्रह्म वस्तु को यदि अगर ऐसा माना जाए कि ब्रह्म वस्तु को सत असत से अलग करके विचार किया जाए, ये समस्त सत असत से ये जो ब्रह्म का जो सत असत से पार्थक्य अगर किया जाए, जो समस्त ब्रह्म सकली ब्रह्म, ये श्रुति का विरोध आ सकता है। ये जो बात उठाया था इसका, ये सत नहीं असत नहीं इसका परे है, क्योंकि कार्यो कारण का साथ इसका कोई संबंध नहीं है, कार्यो और कारण से परे है, इसलिए बताया। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, अगर ऐसा तर्क उठा जाए जो ब्रह्म वस्तु को जिसको आपने बोला सत और असत से असत से पार्थक्य अगर किया जाए, तो समस्त ब्रह्म ये जो बताया सर्वम खलुदम ब्रह्म सकल वस्तु ब्रह्म है, ये श्रुति का विरोध आपत्ति होता है। इसका क्या उत्तर है, इसका क्या उत्तर होगा? ये जो बताया था, तरह तरह का विचार आता है ना, ये आदमी कंफ्यूजन में पड़ जाता है, बहुत मुश्किल।
ये जो कन्फ्यूजन आ रहा है, पहला बात तो ये है जे ये जो इसमें बताया गया सौत और असत से परे है, कार्यकरण से परे है, लेकिन अगर ये विचार हो सौत और असत से पार्थक्य किया जाए तो समस्त ब्रह्म वस्तु ये बात का खिलाफ होता है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, ब्रह्म ही सकल, ये श्रुति का विरोध आ सकता है, आपत्ति हो सकता है। इसका उत्तर देते हुए वेदांत सूत्र का श्लोक उठाया, वेदांत सूत्र का विचार उठाया विश्वनाथ चक्रवर्ती, कह रहे हैं कि इसमें वेदांत सूत्र में एक विचार है शक्ति शक्ति मतोर अभेद। वेदांत सूत्र का एक सूत्र है, इसका जिसका विचार किया जाए तो देखो शक्ति शक्ति मतोर अभेद, इसका माने ये है शक्ति और शक्तिमान दोनों एक है। शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान शक्ति अलग वस्तु नहीं है, जब भी अलग अचिंत भेदावेद तत्विक तत्वों के हिसाब के मुताबिक, अचिंत भेदावेद तत्वों का मुताबिक जरूर इसमें अलग है, फिर भी ये अचिंत भेदावेद सत्तु ए विचार के द्वारा जब भी भेद एवं अभेद दोनों ही सिद्ध होता है। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती बताएं जे वेदांत सूत्र का जो शक्ति शक्ति मत और अभेद, जो शक्ति है वो शक्तिमान है, जो भागवत का ग्लोरिफिकेशन जो है महिमा कीर्तन में है वो स्कंद पुराण में बताया स एवो शा मतलब जो राधा रानी है वही कृष्ण है, श्यामा छबलम प्रपद्ये छबला श्यामम प्रपद्ये शतसर उपनिषद में बताया। तो ये जो बताया इसका माने क्या है, शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे से अभिन्न है, शक्ति का एग्जिस्टेंस शक्तिमत तत्व, शक्ति का एग्जिस्टेंस शक्तिमत तत्व छोड़कर हो ही नहीं सकता, शक्ति का एग्जिस्टेंस शक्तिमत तत्व में ही है। यही विचार को उठाते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती बताया शक्ति शक्तिमत और अभेद। ये जो वेदांत का सूत्र है, ये सूत्र का अनुसार भगवान सर्वतो कार्यकरण, भगवान स्वरूपतो स्वरूप का विचार किया जाए तो भगवान जरूर कार्य और कारण का अतीत वस्तु है। आई बात समझ में? ये शक्ति शक्ति मतो शक्ति शक्ति मतोर अभेद, ये सूत्रों का विचार किया जाए तो इसमें भगवान स्वरूप विचार कर, भगवान का जो स्वरूप विचार किया जाए इसमें जरूर कार्य और कारण का अतीत वस्तु है भगवान, फिर भी शक्तिर कार्यो शक्ति का जो कार्य दिखाई पड़ता है ये उसका ही कार्य है। शक्ति का जो खेला, शक्ति का जो चमत्कारिता, शक्ति का जो प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्या ये तो भगवान का ही है? शक्ति का जो कार्य, शक्ति का शक्तिर कार्य, शक्ति का जो कार्य है उसका ही कार्य माना जाए ना, क्योंकि शक्ति शक्ति में तो रवे बा महाप्रभु जी ने बताया ना, ये जगत जो है शक्ति परिणाम बात, भगवान का विकार ब्रह्म वस्तु विकार प्राप्त तो नहीं हुआ कदापि, भगवान का ब्रह्म वस्तु का जो शक्ति है शक्ति का विकार ये जड़ जगत का। तो शक्ति का जो कार्य है ये ब्रह्म का ही कार्य माना जाए, क्यों ना माना जाए, क्योंकि एक ही है। इस विचार का अनुसार जगदादि जगत में अनंत प्रभाव संबंध ये जगत है, इसमें एक जगदादि जो इसका जो प्रभाव इसका जो आविर्भाव ये जगत का ये शक्ति का परिणाम का कारण, ये जगदादि ये सकल वस्तु जो दिखाई पड़ता है ये शक्ति का परिणाम। इसी प्रकार के अनुसार यद्यपि भगवान कार्य कारण का बाहर माना गया, अगले श्लोक में इसको अगले श्लोक में बताया गया नौ शत तत् नाशत उच्चत, ठीक है, फिर भी विचार के अनुसार वेदांत सूत्रों का विचार के अनुसार शक्ति शक्ति मतोर अभेद सूत्रों का मुताबिक शक्ति का कार्य जो है ये भगवान का ही कार्य माना जाए,
अलग नहीं। इसलिए जगदादि ये जगत का जो आविर्भाव है महत्त्व से ये महत्त्वात् विकुर्वनात् ये जो सारे जगत का जो उद्भव है ये शक्ति का परिणाम है, ये शक्तिकारी परिणाम है। फिर भी भगवान यद्यपि शौद और असत का बाहर है फिर भी एक कार्य कारणात्तक ही है। फिर भी विचार किया जाए यद्यपि भगवान कार्य कारण का बाहर है शौद और असत से परे वस्तु है फिर भी कार्य कारणात्तक ही है भगवान। इसको समझने समझाने के लिए ये श्लोक का ये जो श्लोक 13 नंबर श्लोक को उठाया, इस बात को समय समझाने के लिए भगवान उठाया जो देखो सर्वतो पानीपादम तत् सर्वतो खीसी मुखम सर्वतो सुतिमल लोके सर्वमापित तिष्ठति। ये ब्रह्म वस्तु चराचर ओमनिप्रेजेंट चराचर विश्व में प्रभाव फैलाकर विराजमान है। सर्वतो पानीपादम तत् सर्वतो खीसी मुखम सर्वतो सुतिमल लोके सर्वमापित तिष्ठति। इस विषय पर चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु अद्वैत गोसाई के सामने एक चर्चा किया था। इस विषय में समझना बहुत कठिन है फिर भी किसी का अगर विचार बनता है वो करे ठीक से। महाप्रभु बताया सर्वम भट्टाचार्य के सामने सर्वतो पानीपादम श्लोक का पाठ का गहरा विचार बताया था। प्रभु बंगाली पहले हम बंगाली में बताएंगे प्रभु कहते हैं, प्रभु बोले सर्व पाठ कहिलो तुम्हारे एक पाठ नहीं कोही आजी कोही तोरे। पोपात कह रहे हैं एक विषय मैं छुपा के रखा था तुमको आज खुलना चाहता हूं। प्रभु कहे सर्व पाठ कहिलो तुम्हारे, प्रभु कहे सर्व पाठ कहिलो तुम्हारे एक पाठ नहीं कोही आजी कोही तोरे। संप्रदाय अनुरोधे सबे मंद परे, संप्रदाय का अधिकार के अनुसार सारे उल्टा पड़ता है। सर्वतो हो पानी पाद 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 पादंतम यही पाठ नरे। आज भगवान अद्वैत गोसाई को बोल रहा है सर्वतो पानी पादन त्वत यही सत्य सर्वतो हो। और इधर भगवान कहते सर्वत्र, पहले कहा सर्वतो हो पानी पादन त्वत ये पाठ किया और यहां भी सर्वतो पानी पादन। महाप्रभु कह रहे हैं कि सर्वतो हो पानी पादन त्वत ये पाठ है, लेकिन आज अद्वैत गोसाई को कह रहे हैं महाप्रभु सच्चा कहे तो इसको ऐसा पाठ करना चाहिए। कैसा? सर्वत्र पानी पादन तत्व। प्रभुपाद इस विषय में भाष्य लिखा है, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इस विषय में काल चर्चा हो पाएगा। प्रभुपाद जी ने इस विषय में भाष्य लिखा है, इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी सर्वतो पाठ को रखा करने के लिए है ना, निर्विशेषवादी सर्वतो पाठ रखा करके वहां सर्वत्र अर्थ ही व्यवहार करना चाहा। निर्विशेषवादी भगवत्ता का स्वरूप, निर्विशेषवादी है ना, निर्विशेषवादी सर्वतो ये पाठ का इज्जत रक्षा करने के लिए वह सर्वत्र अर्थ व्यवहार करना चाह। और सविशेषवादी भगवतार स्वरूप स्वीकार करता है, भगवान का स्वरूप स्वीकार करता है सविशेषवादी। निर्विशेषवादी जगत मिथ्यात्ववादेर पक्षो, निर्विशेषवादी जो है ब्रह्म सत्व जगत मिथ्या, निर्विशेषवादी जो है ब्रह्म सत्व जगत मिथ्या इसको स्थापन करना चाहा
निर्विशेषवादी जगत मिथ्यात्व बात को इसका 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 पक्ष में पक्ष ग्रहण करने से भगवत भगवत स्वरूप का जो पानी पात कर्ण चक्षु शीर बदन इसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, नित्यत्व स्वीकार नहीं करता। ये भगवान का आंखें कान सब नित्य है ये स्वीकार नहीं करता। लेकिन सविशेषवादी भगवान का सविशेष भगवत्ता का स्वीकार करते हैं। इसका विषय में काल हम चर्चा करेंगे खुलम खुला, इस विषय में काल इस विषय में काल चर्चा करेंगे। तो जो भी है मायाध्यक्षेण प्रकृति स्व्याति चराचरम, ये सब बात को आगे रखते हुए काल चर्चा करेंगे। विष्णु शक्ति परा प्रक्ता क्षेत्रज्ञाख्या अथापरा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रेश्वते वांछ कल्पतरुष्य के पासिंद व्यवच पतितानं पावन भवैष्णव्यो नमः।